कपड़ा व्यापारी के साथ चार लोगों ने की धोखाधड़ी व लाखों रुपए की ठगी। सहारनपुर शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। आए दिन बदमाशों द्वारा आम जनता के साथ ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सहारनपुर शहर के थाना मंडी क्षेत्र के खाताखेड़ी में सामने आया, जिसमें खाताखेड़ी निवासी के साथ चार लोगों ने धोखाधड़ी की और उनके नाम पर की लाखों की ठगी, जिसकी संपूर्ण जानकारी पीड़िता नजराना साबरी पत्नी मोहम्मद इस्लाम ने प्रेस वार्ता के द्वारा दी। उन्होंने बताया कि मैं कपड़े का कारोबार करती हूँ और मेरी मुलाकात इसी सिलसिले में प्रदीप शर्मा पुत्र रामचंद शर्मा निवासी 6/727 ब्रिज विहार कॉलोनी तोता चौक के पास स्थित शिव मंदिर रोड कोतवाली मंडी सहारनपुर जसवंत नेहरा पुत्र धनी राम तुलचंद राम आदि से हुई, जिन्होंने मुझे विश्वास में लेकर कारोबार की जानकारी हासिल की और मेरे नाम पर बाजार से मोटी धनराशि उगाही कर मुझे फंसा दिया ताकि मैं बर्बाद हो जाऊँ। इन लोगों की मंशा मेरे मकान में कारोबार को हजम करने की थी और यह लोग ब्लैक मनी को गैर कानूनी तरीके से व्हाइट मनी करने का कारोबार बखूबी करते हैं। इसके लिए 11 से 13 माह का सर्कल चलाकर कार्य को अंजाम देते हैं। इस गैंग में गुंडा प्रवृत्ति भूमाफिया व दबंग किस्म के लोग शामिल हैं और लोगों की प्रॉपर्टी इनकेन प्रकरण हड़पने की कोशिश करते हैं। जो मुझे इन सब के बारे में पता चला तो मेरा मुंह बंद करने की मुझे धमकी दी गई। ऐसा न करने पर मेरा मोबाइल चोरी कराया गया। उसके बाद मेरी भादरा फैक्ट्री में 21 अक्टूबर 2019 को चोरी करवाई गई। आरोपी सरेआम धमकियां दे रहा और तुझे तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। इनके भय के कारण मैं अपने परिवार को लेकर 6 दिसंबर को भादरा से आ गई थी। हमारी मांग है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम सब परिवार SSP कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। वाइफ ऑफ मोहम्मद इस्लाम निवासी खाताखेड़ी सहारनपुर। इस मामले को लेकर हूँ सर, प्रदीप शर्मा और उनके गैंग ने मिलकर मेरे को हर तरीके से टॉर्चर किया है, जिसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है 156(3) के तहत कोर्ट के थ्रू, पर मंडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं चाहती हूँ ये लोग अरेस्ट हों, मुझे इंसाफ मिले। मेरा ही माल हड़पा सर, मेरी ही फैक्ट्री पर चोरी कराई, खुद है असल में ये लोग, गलत गैंग है ये, गलत गैंग के हाथ समझ लीजिए मैं चढ़ गई थी या मेरे को उनका पता लग गया था। मेरे पास इनके सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी कि तेरी हत्या कर देंगे और भादरा में अहमद अली है उसको फंसा देंगे उसके आरोप में, और तेरे हस्बैंड को जेल भेज देंगे पॉस्को में या कोई और अन्य धारा लगा करके, कि अगर तूने मुँह खोलने की कोशिश करी नहीं तो हमारे गैंग का साथ दे। जी सर, लगभग कितने अमाउंट का आपका माल था? सर जो चोरी में गया वो, उसकी भी FIR दर्ज है, वो 6-7 लाख के करीब का मटेरियल था सारा जो चोरी में भादरा की गया, और जो भी पिकअप मेरी लेटेस्ट गई है यहाँ से उसमें 4 के करीब का सामान था पूरा। बिल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्स नहीं है।